Myself Jitendra Chaudhary. मैं जितेंद्र चौधरी कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड के कमर्शियल आउटलेट का आउटलेट हेड हूँ और मैं इस वक्त खड़ा हूँ अपने ही आउटलेट अपने ही कॉम्पिटेंट की कमर्शियल आउटलेट पे जहाँ हमारे साथ दमदार सुपर कैरी मारुति सुजुकी सुपर कैरी नए लुक्स में नए कलर्स के साथ ये कलर कलेक्शन डेफिनेटली लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है जो कि सिल्की ग्रे में गाड़ी लॉन्च हुई है पूरे 1197 नए सीरीज की इंजन। इस इंजन का सबसे खास बात इसमें 30% पहले के मुकाबले ज़्यादा माइलेज आ रहा है। जहाँ तक लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है इस टाइप के सेगमेंट इस सेगमेंट के कस्टमरों का कि उनका माइलेज क्या है उनको कितनी किफ़ायती पड़ रही है गाड़ी, तो जहाँ तक माइलेज की बात करेंगे तो इट्स डेफिनेटली वंडरफुल, बहुत ही आश्चर्यजनक फीडबैक्स हमें कस्टमर से मिलते हैं कि साहब पहले और इसमें बहुत ही जमीन आसमान का अंतर आ रहा है, बहुत ही हैवली मैनेज के साथ। जहाँ तक मैं बात करूँ मेरी पहले भी वीडियोस आई हुई हैं जिसमें मैं बात कर रहा था इस व्हीकल के फ्रंट के मटेरियल की, दिस इज अ रियली वेरी स्ट्रांग एंड यू कैन से कंफर्ट मटेरियल, दिस इज लॉन्ग ड्यूरेबल मटेरियल, लंबे चलने वाला इसकी जो मेटेलिटी है वो साफ साफ दिख रही है। लाइट का भी सिस्टम यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त दिया हुआ है और अच्छी फोकस की लाइट है। जहाँ तक मैं बात करूँगा तो इसकी फ्रंट काफ़ी ऊंची दिखती है, इसका जो ग्राउंड क्लैरिटी हम बोल सकते हैं जो फ्रंट की ग्राउंड क्लैरिटी है विच इज़ टू हाई, जो इस सेगमेंट के व्हीकल्स में देखने को नहीं मिलती। मैं इनके कॉम्पिटिटर व्हीकल का डायरेक्ट नाम तो नहीं ले रहा बट अगर आप देखोगे इस सेगमेंट की व्हीकल जो भी है एस और सुप्रो उसमें ये ग्राउंड क्लैरिटी नहीं मिलती है। जहाँ तक मैं बात करूँ फ्रंट से हम आ जाते हैं साइड पे, साइड में सेम स्ट्रॉन्ग काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल डाला हुआ है, काफ़ी अच्छी सेटल्ड बड़ी साइड लग रही है। जब इस गेट को हम ओपन करते हैं तो ऐसा इट सीम्स लाइक दैट वी आर ओपनिंग द डोर ऑफ कार्स, ये कार की डोर की ओपनिंग लगती है और वाओ वाओ स्पेस इन दिस सुपर कैरी, रियली इट्स लुकिंग सो नाइस स्पेस हियर, सो कंफर्ट स्पेस हियर सो फार एज द सीटिंग इज कंसर्न्ड। इसमें वैसे तो दो लोगों को ही अलाउ किया जाता है लेकिन तीन लोग भी बड़े आराम से बैठ सकते हैं ऐसा, और अगर सिंगल ड्राइवर की बात करूं तो बड़े आराम से इसमें स्लिप मतलब लेट भी सकता है, यू कैन से द स्लीपर कैबिन, और बहुत अच्छे स्पेस के साथ है, बहुत मजबूत इंटीरियर भी है। मैं आपको ये बॉक्स दिखा रहा हूं जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स और भी ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे लग सकते हैं, लॉक का सिस्टम है, यहाँ पे आप म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं, ये मोबाइल की चार्जिंग का पूरा व्यवस्था यहाँ पे दिया गया हुआ है और फ्लैट सीट है। इस सीट को के नीचे एक मल्टीपल धातु से एक लेयर बनाया गया है जिस लेयर से डेफिनेटली जो इंजन की हीट है ये मल्टीपल धातु का लेयर है, इससे इंजन की हीट बिल्कुल भी ऊपर नहीं आती है। सो नाउ वी आर कमिंग इनटू द आप इसकी स्टेडिंग बहुत ही कंफर्ट स्टेडिंग है, यहाँ पे जो पूरी स्पीडोमीटर का है और ये फ्यूल का है कि आप अगर व्हीकल में सीएनजी है केवल पेट्रोल नहीं है, हालांकि ये ड्यूल फ्यूल इंजन है, ड्यूल फ्यूल इंजन मींस इसमें सीएनजी के साथ 5 लीटर का एमरजेंसी पेट्रोल का भी टैंक है जो इस गाड़ी की सबसे बड़ी फीचर है। हालांकि ये इतना बड़ा फीचर होने के बाद भी अगर पेट्रोल ना है ओनली सीएनजी पे भी ये गाड़ी स्टार्ट होती है, फुल्ली सीएनजी बिल्ड गाड़ी है बट वो पेट्रोल का एमरजेंसी यूज है। मैं आपको
क्लियरली दिखाऊंगा कि ये जो सीट है, जो ड्राइवर का सीट है, ये भी एडजस्टेबल है, आप इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। शायद देखिए, ये देखिए, जो कि अक्सर कॉमर्शियल व्हीकल के किसी भी ड्राइविंग सीट में ये एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलती है। नाउ वी कैन सी द सीट बेल्ट, हाउ क्वालिटी इज दिस। और सीट बेल्ट के लिए इंडिकेटर भी है यहाँ पे, जब तक आप सीट बेल्ट यूज नहीं करोगे तब तक गाड़ी इंडिकेट करती रहेगी कि आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हो। सो इट्स वेरी नाइस फीचर। नाउ वी आर कमिंग इनटू द दिस फॉर सन रेज, यू कैन से कि अगर डायरेक्ट रोशनी, डायरेक्ट गर्मी आपको महसूस ना हो, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया हुआ है। इसको आप मूव भी कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, जहाँ भी आपको लगता है। और फिर एक इंटीरियर के लिए लाइट का भी है दिया हुआ, काफ़ी अच्छी लाइट है। जब भी आप अपने कंफर्ट से इसको यूज करना चाहेंगे, यू कैन यूज इट वेरी इजीली। नाउ वी आर कमिंग इनटू द डेक, डेक एरिया एंड डेक, हाउ डेक इज स्ट्रॉन्ग, डेक कितनी मजबूत है। तो मैं मजबूती की बात मैं पहले भी किया था, आप इसको चेक कर सकते हैं। इट्स लुक लाइक सो स्ट्रॉन्ग, वाकई ये बहुत ही मजबूत है। और इसकी डायमेंशन की बात करूं, जो इस टाइप के अदर व्हीकल्स के साथ इसकी कंपैरेटिवली वी कैन से तो इस, जो इसकी लेंथ है, लंबाई है, वो इस टाइप की व्हीकल्स में जहां 8 फीट की देखने को मिलती है, इसमें 7.5 फीट है। जो इसकी चौड़ाई है, विथ है, वो अदर व्हीकल में 12.5 फीट देखने को मिलती है, इसमें 5.25 फीट का है। तो इस तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा माल लोड करने के लिए कंफर्ट आप कह सकते हो। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये इसकी जो बैक का जो गेट है, वो इजीली आप इसको ओपन करते हो और ये फिर बड़ा साइज में बड़ा बन जाता है। और बहुत ही मजबूत इसका जो चेन है, वो बहुत ही मजबूत दिया हुआ है। इसकी जो लॉकिंग सिस्टम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दी हुई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका ये गेट दिया हुआ है। और क्लियरली यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेंशन करा गया है कि कैरी फुली बिल्ट। नाउ द मैं ये देखना चाहूँगा कि कितना अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से सामान को बांधने के लिए ये 4 अलग अलग यहाँ पे स्क्रू नक्के दिए हुए हैं। नाउ इट्स वेरी क्लियर कि इस सेगमेंट की अदर व्हीकल से इसमें ये सारे फीचर्स बेटर हैं। अगर मैं बात करूँ बैक की, तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि पूरी लाइटिंग और इसमें बैक करने के लिए बैक सेंसर ऑलरेडी लगे हुए हैं दोनों तरफ। ये यू कैन से ये बैक सेंसर है, ये बैक सेंसर है, और दोनों तरफ बैक सेंसर का आप लोगों का सुविधा दिया हुआ है। और जो रोड के सेफ्टी के पर रिफ्लेक्टिव फ्रेम, ये भी इसमें ऑलरेडी बिल्ड लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ मैं देखता हूँ टायर की साइज। ये एक फोकस करने की चीज है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे टायर की जो साइज, ये देखिए टायर की जो साइज है वो 13 की है, जबकि इस सेगमेंट की व्हीकल्स में ये 12 यानी 12 इंच की टायर साइज आती है, इसमें उसके मुकाबले 13 इंच की टायर साइज है। और मैं आपको बताऊं, जो इसका बैटरी है वो भी बिल्कुल इस व्हीकल के अनुकूल, जब अभी जैसे बताऊं मैं, काफ़ी पावरफुल और एनर्जेटिक एक्साइड की बैटरी यहाँ पे दी हुई है। और सबसे बड़ी फीचर जो इसकी चेसिस है, व्हाट्स ए स्ट्रॉन्ग चेसिस, ये रियली देखने को नहीं मिलेगी आपको अक्सर इस छोटी मिनी ट्रक्स में। ये मिनी ट्रक्स में इतनी मजबूत चेसिस, ये कस्टमर्स का फीडबैक होता है कि रियली ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही टिकाऊ है। तो इस तरीके से जो अभी तक हमने बात करी है उससे ये स्पष्ट होता है, इट्स वेरी क्लियर दैट जो हमारी यह सुपर कैरी व्हीकल है वो एक बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार है। ये
सुपर कैरियर एंगल जो इससे पहले आ रही थी, जो इसके इंजन की वेरिएंट थी, वो जैसा कि कस्टमर्स को भी पता है कि वो इको वाली इंजन थी। अब जो इंजन आ रही है उसकी सीरीज ही चेंज हो गई है, इंजन की सीरीज चेंज हो गई है और इसमें क्लच बहुत ही हैवी कर दिया गया है, जिससे क्लच जाने का कोई संभावना ही नहीं है, 0% टू जस्ट क्लच गोन। देन जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ करा गया है वो साइलेंसर की थिफ्टिंग की बात आती थी, साइलेंसर को भी काफ़ी अंदर कर दिया गया है। फिर से मैं दोबारा यहाँ आऊँगा, ये छूट रहा था, साइलेंसर को, साइलेंसर की जो ग्रिपिंग है, ये वाली ग्रिपिंग ये काफ़ी ही अंदर करके काफ़ी इसको मजबूत बनाया गया है। अब ये इजली ओपनेबल नहीं है और चोरों से ये दूर की चीज़ है। सो आई रियली वॉन्टेड टू कवर ऑल द थिंग्स, फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं, फिर विल डेफिनेटली टेक केयर अबाउट नेक्स्ट वीडियो। अभी तक जो भी हमने आपको बताया वो ये वो जेन्युइन चीज़ें हैं जो कस्टमर्स का फीडबैक है, और कस्टमर की फीडबैक ही, कस्टमर का प्यार ही इस गाड़ी को भारत का सबसे दमदार मिनी ट्रक बनाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।